Hello everyone, welcome to Abhipedia. Myself Ankush Sharma, Senior Faculty of Abhimanyu IAS. आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सेकेंड पार्ट ऑफ इंडो पाक वॉर 1971. फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया पाकिस्तानी एयरफोर्स PAF 3 दिसंबर 1971 एक ऑपरेशन लॉन्च करती है. इसका नाम था ऑपरेशन चंगेज खान. इस ऑपरेशन के अंडर में पाकिस्तानी एयरफोर्स ने इंडिया के 11 एयर बेसिस को टारगेट किया. टारगेट जो किया गया था वो वेस्टर्न बॉर्डर पर किया गया था. फ्रेंड्स आप इसको समझिए, हमारी प्रॉब्लम चल रही थी ईस्टर्न बॉर्डर पर, बट पाकिस्तान अटैक करता है वेस्टर्न बॉर्डर से. वाई? बिकॉज वो टू फ्रंट वॉर को ओपन करना चाह रहा था एंड इंडिया के ऊपर प्रेशर डालना चाह रहा है. पाकिस्तान को यह भी लगता है कि अगर वो यहां पर फर्स्ट अटैक करेगा एयरफील्ड्स के ऊपर, देन इंडियन एयरफोर्स को वो क्रिपल कर सकता है, वो डिस्ट्रॉय कर सकता है. बट हमें इसकी इंफॉर्मेशन पहले से थी, हमने अपने फाइटर जेट्स को फॉरवर्ड बेसिस से हटा लिया था. ओके, सेम नाइट को अब इंडिया ने रिप्लाई दिया, हमारी एयरफोर्सेज ने भी पाकिस्तान के जो एयर बेसिस से वहां पर अटैक किया, लड़ाई स्टार्ट हो जाती है. प्राइम मिनिस्टर ने डिक्लेयर कर दी थी वॉर. अब टू फ्रंट वॉर ये चल रही थी, वेस्टर्न बॉर्डर एंड ईस्टर्न बॉर्डर. इस वॉर में हमें नेवी के रोल को समझना होगा. 1965 के जब वॉर हुई थी उस टाइम पर इंडियन नेवी इनएक्टिव रही थी. इस टाइम पर हमारे जो नेवी चीफ हैं वो प्राइम मिनिस्टर से मिलते हैं एंड उन्होंने पूछा कि मैम अगर वॉर होती है क्या नेवी पार्टिसिपेट करेगी. देन हमारे प्राइम मिनिस्टर का आंसर था इफ देयर इज अ वॉर देयर इज अ वॉर. देन अब ये जब अटैक हुआ 3 दिसंबर 1971 को, इसके नेक्स्ट डे 4 दिसंबर 1971 की नाइट में इंडियन नेवी ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया. इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन ट्राइडेंट. ऑपरेशन ट्राइडेंट के अंडर में हमारे कुछ मिसाइल बोट्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल वीर, निर्घट, निपत. तो मिसाइल बोट्स होती हैं, ये वॉरशिप नहीं होते, इनका साइज थोड़ा स्मॉल होता है. रशिया ने हमें प्रोवाइड की थी और इनमें मिसाइल्स फिट थी. हमारी मिसाइल्स बोट्स को जाना था और कराची पोर्ट को अटैक करना था. रात में हमारी बोट्स जाती हैं बिकॉज इनकी जो रडार की रेंज होती है वो कम होती है, तो उनको बहुत ज़्यादा पास में जाना पड़ा और इन्होंने वहां पर जाकर मिसाइल्स को फायर किया. मिसाइल का नाम था स्टाइक्स. फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा था कि इंडियन नेवी इस सब कॉन्टिनेंट में एंटी शिप मिसाइल को लॉन्च कर रही थी. जब ये मिसाइल लॉन्च की गई तो पाकिस्तान के जो वहां पर वॉरशिप थे उनको लगा कि कोई एयरक्राफ्ट आ रहा है एंड वो उसके ऊपर फायरिंग कर रहे हैं आंखें बंद करके. उन्हें समझ में नहीं आ रहा था ये क्या है. मिसाइल हिट करती है, पाकिस्तान का बहुत नुकसान हुआ. 8 मिसाइल को लॉन्च किया गया था, 6 मिसाइल ने अपने टारगेट को डिस्ट्रॉय कर दिया. पाकिस्तानी नेवी बहुत बुरी तरह से यहां पर कह सकते हैं कि उसके नुकसान होता है, उसको उसके डिस्ट्रॉयर यहां पर इतने ज्यादा उसको नुकसान हुआ डिस्ट्रॉयर को कि वो आप दोबारा रिपेयर नहीं कर सकते थे. इसके बाद पाकिस्तान अब अपनी नेवी को एक्टिव करता है एंड पाकिस्तान की नेवी भी अब एक्टिव हो जाती है. उसमें से उसकी सबमरीन जो थी इनका नाम है मैंग्रो, हैंगोर, ये सबमरीन एक्टिव होती हैं और ये इंडियन ओशन में अब पेट्रोलिंग करने लगी. इस टाइम पर एक लड़ाई होती है. इस लड़ाई में हमारी एक सबमरीन जिसका नाम था INS खुकरी, इसको पाकिस्तानी नेवी ने डिस्ट्रॉय कर दिया और अबाउट 200 हमारे सेलर्स मारे जाते हैं. वॉर आगे चल रही थी. ईस्टर्न बॉर्डर की बात करते हैं. ईस्टर्न बॉर्डर में नेवी ने जो बे ऑफ बंगाल है उसको ब्लॉकेट उसमें लगा दिया. अब पाकिस्तानी जो इन्फोर्समेंट था वो नहीं आ पा रहा था, सप्लाई लाइन को ब्लॉक कर दिया गया था. देन पाकिस्तानी नेवी ने इस टाइम पर INS विक्रांत जो हमारा एयरक्राफ्ट कैरियर था उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए अपनी एडवांस सबमरीन जिसका नाम था PNS गाजी. फ्रेंड्स गाजी का मतलब होता है स्लेयर ऑफ इन्फिडल्स, तो इसको यहां पर डिप्लॉय किया गया. बट गाजी यहां पर डिस्ट्रॉय हो जाती है, पता नहीं चला कि इसको किसने एक्सपोर्ट किया, किसने डिस्ट्रॉय किया था. क्या हमारे राजपूताना जिसका नाम था INS राजपूताना या हमारे किसी सबमरीन ने इसको डिस्ट्रॉय कर दिया था. बट गाजी यहां पर खत्म हो जाती है.
इसमें जो 200 के करीब सेलर से पाकिस्तान के वो मारे जाते हैं और ये सबसे एडवांस सबमरीन थी पाकिस्तान की। ओके, अब इसमें कैच क्या है आपको याद रखना है, हमारा जो ऑपरेशन था ट्राइडेंट ये हुआ था 4 दिसंबर को एंड इंडियन नेवी भी इसको सेलिब्रेट करती है एज नेवी डे एवरी ईयर। ठीक है, तो उसके बाद प्रिंस खोखरी का हमारा नुकसान हुआ, गाजी का पाकिस्तान का नुकसान हुआ, बे ऑफ बंगाल में हमने ब्लॉकेड इंपोज कर दिया था, पाकिस्तान अब परेशान था, वॉर आगे चल रही थी। इंडियन एयरफोर्स पाकिस्तानी एयरफोर्स के ऊपर सुपीरियरिटी अचीव कर चुकी थी, पाकिस्तानी एयरफोर्स ने अब उड़ने से मना कर दिया था, बिकॉज हमारे MiG-21 जो अभी न्यूज में भी रहा, अभिनंदन अभी इसको फ्लाई कर रहे थे उस टाइम पर भी ये था और रशिया ने हमें प्रोवाइड किया था MiG-21, ये एयर सुपीरियर फाइटर था और इसने पाकिस्तानी एयरफोर्स को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया। वॉर आगे चल रही है, अमेरिका परेशान था बिकॉज पाकिस्तान इस टाइम पर अमेरिका का एलाई है, अमेरिका को लगता है कि अगर पाकिस्तान दो टुकड़ों में हो जाता है एंड इंडिया यहां पर जीत जाता है तो रशिया या यूएसएसआर उस टाइम पर हम कह सकते हैं यूएसएसआर इस रीजन को कहीं ना कहीं डोमिनेट करेगा, तो ये अमेरिका के माइंड में चल रहा है। अमेरिका का प्रेसिडेंट है निक्सन, निक्सन इस टाइम पर इंडियंस के लिए कुछ इस टाइप के वर्ड भी यूज करता है जो मैं आपको बता भी नहीं सकता। ओके, हमारे प्राइम मिनिस्टर के लिए वर्ड यूज करता है। निक्सन का मानना है कि हमें किसी भी हालत में पाकिस्तान को बचाना होगा, बट वो डायरेक्ट यहां पर अभी इन्वॉल्व नहीं होना चाह रहा वॉर में, देन वो चाइना को, सऊदी अरेबिया, जॉर्डन, ईरान, इनको बोल रहा है कि आप पाकिस्तान की हेल्प करिए। बात करते हैं किस किस कंट्री ने पाकिस्तान की हेल्प की थी, देन फ्रेंड्स चाइना ने हमें थ्रेट किया बट इस टाइप का कोई कॉन्क्रीट स्टेप उसने नहीं लिया था कि इंडिया के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़े। नेक्स्ट थिंग, हमारी नॉर्दर्न कमांड थी इस टाइम पर चाइना को टैकल करने के लिए रेडी थी। ओके, स्नोफॉल भी हो चुका था तो उस टाइम पर चाइनीज फोर्सेज वैसे भी आगे नहीं बढ़ सकती थी। नेक्स्ट थिंग, ईरान ने अपने एयर फील्ड्स को पाकिस्तानी एयरफोर्स के लिए ओपन कर दिया, पाकिस्तान के फाइटर जेट्स वहां से फ्यूल लेते थे और रिफ्यूल होने के बाद वो अटैक करते थे। श्रीलंका ने भी पाकिस्तान को सपोर्ट किया और पाकिस्तान के फाइटर जेट श्रीलंका में रुकते थे, वहां पर रिफ्यूलिंग होती थी उनकी और उसके बाद वो अटैक आगे करते थे। जॉर्डन ने अपने फाइटर जेट्स को पाकिस्तानी एयरफोर्स को दे दिया था इस टाइम पर। तो ये सारी कंट्रीज पाकिस्तान को हेल्प कर रही हैं, बट रशिया हमें हेल्प कर रहा था उस टाइम पर जिसे हम यूएसएसआर बोलते हैं। पाकिस्तान हर जगह हार रहा था, उसकी नेवी, उसकी एयरफोर्स एंड उसकी आर्मी, इनका मोरल डाउन जा चुका था। अब अमेरिका एक लास्ट चांस लेता है इंडिया को थ्रेट करने का। अमेरिका ने अपनी 7th फ्लीट जो उस टाइम पर वियतनाम में थी, और इस फ्लीट में था अमेरिका का न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर, इसका नाम था यूएसएस एंटरप्राइज। यूएसएस एंटरप्राइज साथ में ब्रिटिश नेवी, ये भी अमेरिकन नेवी के साथ है। अब ये इंडिया को थ्रेट करने के लिए डिप्लॉय कर दिए जाते हैं इंडियन ओशन। इस टाइम पर हमारे ईस्टर्न कमांड, नेवी की जो ईस्टर्न कमांड है उसके हेड थे नीलकांत कृष्णन। नीलकांत कृष्णन से प्राइम मिनिस्टर ने पूछा, अमेरिकन नेवी आ रही है, क्या आप उसे रोक सकते हैं? हमारे कमांडर ने आंसर दिया था, कोई भी वापस नहीं जाएगा। ओके, वॉर चल रही थी, अब अमेरिका हेल्प करना चाह रहा है, पाकिस्तान की लास्ट चांस वो ले रहा था। पाकिस्तान का एयरक्राफ्ट कैरियर जब इंडियन ओशन में आने का ट्राई कर रहा है उस टाइम पर यूएसएसआर और इंडिया के बीच में जो फ्रेंडशिप एंड कॉपरेशन ट्रीटी हुई थी अगस्त 1971 में, वो एक्टिव हो जाती है और अपने वॉरशिप्स को, रशिया ने अपने न्यूक्लियर सबमरीन्स को इंडियन ओशन में डिप्लॉय कर दिया और ये इंडियन ओशन में आ जाते हैं। रशियन कमांडर ने बताया बाद में कि हम जानबूझकर जो सरफेस पर आ जाती है न्यूक्लियर सबमरीन, और अमेरिकन को बताया गया कि हम इधर हैं। देन जब ये पता चला कि रशियंस आ चुके हैं तो अमेरिका ने ब्रिटिश नेवी यहां से वापस चले जाता है। तो ये बहुत बड़ा थ्रेट था हमारे लिए, इसको हमने बहुत आसानी से टैकल कर लिया। वॉर चल रही थी, पाकिस्तान के ऊपर अब बहुत ज्यादा प्रेशर है, उसकी सप्लाई लाइन कट चुकी है, वेस्ट पाकिस्तान से ईस्ट पाकिस्तान में सप्लाई लाइन का कोई रूट नहीं रह गया था। ओके फ्रेंड्स, इस टाइम पर हमें क्लियर था कि हम जीतने वाले हैं, बट पाकिस्तान का जो जनरल था बांग्लादेश में, उसका नाम था AAK नियाजी, ये अभी भी
सरेंडर करने को रेडी नहीं था, अभी रेडी नहीं है। देन अब इंडियन एयरफोर्स ने एक प्लानिंग की और हमें टारगेट करना था ढाका में जो गवर्नर हाउस था। MiG-21 ने फ्लाई किया और इस गवर्नर हाउस को ढाका में टारगेट किया। इसके पास बॉम्ब गिराया गया। पाकिस्तान के सोल्जर्स का मोरल डाउन जा चुका था इस हमले के बाद और वो सरेंडर करने को रेडी थे। इस टाइम पर हमारे कमांडर, इनका नाम था राफेल जैकब, नियाजी से मिलते हैं। उन्होंने नियाजी से बोला कि आप सरेंडर करिए, उसके लिए रेडी रहिए। नियाजी ने मना कर दिया कि मैं जब तक मेरे पास लास्ट सोल्जर है मैं लड़ता रहूंगा। इसके बाद हमारे जैकब ने उनको बोला था कि अगर आप नहीं मानेंगे देन आपके ऊपर इतनी ज्यादा बॉम्बार्डमेंट होगी कि कोई भी नहीं बचेगा एंड मुक्ति वाहिनी भी आपको नहीं छोड़ेगी। नियाजी अब मान जाता है, उसने शर्त रखी कि जो सरेंडर होगा वो एक बंद कमरे में होगा। बट जैकब ने बोला नो, उन्होंने बोला जो सरेंडर होगा वो ओपन में होगा और आपके सोल्जर्स को, हमारे सोल्जर्स को गार्ड ऑफ ऑनर भी देना पड़ेगा। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद नियाजी जो भी बोल रहा था कि मैं लास्ट सोल्जर तक रहूंगा वो रेडी हो जाता है एंड 16th of December 1971 इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर पर साइन किए गए एंड 93,000 पाकिस्तानी सोल्जर्स इंडियन आर्मी के सामने सरेंडर करते हैं, जिसको हम सेलिब्रेट करते हैं एज ए विजय दिवस। ओके, इंडिया जब ये अचीव कर लिया ईस्टर्न बॉर्डर पर, देन इंडिया ने वेस्टर्न बॉर्डर पर सीज फायर डिक्लेयर कर दिया, पाकिस्तान ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। तो ये थी वॉर, हम जीत चुके थे। इसका आउटकम क्या था इंडिया के लिए? तो इंडिया के लिए पॉजिटिव आउटकम थे, इस रीजन में इंडिया सुपर पावर बन चुका था। इवन अमेरिका ने हमें रिकॉग्नाइज किया कि इंडिया इस रीजन का सुपर पावर है। नेक्स्ट थिंग, जो रेफ्यूजी इंडिया में आए हुए थे उसमें से लैक्स ऑफ रेफ्यूजी जो थे वो वापस चले जाते हैं बांग्लादेश अपने घरों पर। तो ये प्रॉब्लम जो चल रही थी, ग्रेव रेफ्यूजी प्रॉब्लम, इसका सॉल्यूशन मिलता है। नेक्स्ट थिंग, इस टाइम पर जब ये वॉर चल रही थी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक साथ लड़े थे। तो इंडियन सेक्युलरिज्म जो है उसने अपनी पावर को भी वर्ल्ड को बताया था कि ये इंडियन सेक्युलरिज्म की पावर है, हम एक हैं। अगर हम डाइवर्स हैं वो हमारी पावर है, हमारी वीकनेस नहीं है। और पाकिस्तान जो बार बार रिलीजन का यूज कर रहा था उसको समझ में आ चुका था कि इंडियन मुस्लिम, इंडियन क्रिश्चियन, इंडियन जो भी अदर कम्युनिटीज हैं, कोई भी कम्युनिटी पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं करने वाली है। एक्चुअली पाकिस्तान के माइंड में रहता था कि अगर वो अटैक करेगा तो इंडियन मुस्लिम कश्मीर में जो मुस्लिम है वो उसको सपोर्ट करेंगे, ये उसकी गलत फहमी थी। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट थिंग, 1962 में जो हमारी हार हुई थी चाइना के साथ, उस सदमे से अभी हम बाहर निकलते हैं और हमें दोबारा से सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है। तो ये पॉजिटिव आउटकम इंडिया के लिए थे। नेगेटिव आउटकम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के सोल्जर्स का मोरल बहुत डाउन जा चुका था, पाकिस्तानी पीपल के लिए ट्रॉमा से कम नहीं था। पाकिस्तान का एक उर्दू न्यूज़पेपर क्या बोल रहा है उसको समझिए, उसने बोला कि 1000 ईयर के बाद हिंदुओं की जीत हुई है, तो देन क्या वो इसको हिंदू मुस्लिम लड़ाई मान रहे थे? ये आप समझ सकते हैं उनकी थिंकिंग। क्या बोलता है पेपर आगे, बोलता है कि मोहम्मद गौरी की भी हार हुई थी पहली बैटल में, इसको हम तराइन की बैटल बोलते हैं, बट दूसरी बार उसने अटैक किया था और वो फिर जीता था। याहिया खान, उसकी पॉपुलैरिटी डाउन जा चुकी थी, उसको यहां पर रिजाइन करना पड़ा और रिजाइन करने के बाद वो प्रेसिडेंट बना देता है अब जुल्फिकार अली भुट्टो। जुल्फिकार अली भुट्टो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट बन जाता है। 93,000 POW प्रिजनर्स ऑफ वॉर हमारे पास थे, इनका सॉल्यूशन हम निकालना था, क्या होना इनका, कुछ सोल्जर्स हमारे पाकिस्तान के पास थे। देन अब शिमला में एक एग्रीमेंट हुआ, इसको हम बोलते हैं शिमला एग्रीमेंट। जून 1972 में न्यू प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, जिसका नाम है जुल्फिकार अली भुट्टो, वो इंडिया था। आने के बाद सबसे पहले ये पता चला कि उन्होंने प्राइम मिनिस्टर हमारी इंदिरा गांधी से बोला, प्लीज आप कश्मीर का इश्यू मत लेकर आना, बिकॉज मैं खाली हाथ नहीं जाना चाहता और कश्मीर को नहीं खोना चाहता। हमारे कुछ स्टैम पर जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स थे उनका मानना था कि कश्मीर का जो सॉल्यूशन है वो स्टैम पर मिल सकता है। ओके, देन अब आगे क्या हुआ उसको देखते हैं। तो शिमला एग्रीमेंट क्या था, वेरी इंपॉर्टेंट, शिमला एग्रीमेंट को डिस्कस करते हैं। शिमला एग्रीमेंट ये साइन हुआ 2 जुलाई 1972। फर्स्ट उसमें वही अच्छी अच्छी बातें फिर से रिपीट की गई जो 1965 के बाद रिपीट की गई थी, अच्छे रिलेशन बनाएंगे, फ्रेंड रिलेशन होंगे, एक दूसरे के इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर नहीं करेंगे। ओके, जो भी प्रॉब्लम है, जो भी इश्यूज हैं उनका
बैठकर कॉर्डियल तरीके से उसका सॉल्यूशन निकाला जाएगा। ओके, अब इसमें एक पॉइंट था, वो ये था कि ये बोला गया कि जो भी इश्यू होंगे वो बायलेटरल इश्यू हैं इंक्लूडिंग कश्मीर, तो कश्मीर को बायलेटरल इश्यू बता गया, बोल दिया गया एग्रीमेंट में। दैट मींस अगर पाकिस्तान थर्ड पार्टी के पास जाना चाह रहा है तो वो नहीं जा सकता, बिकॉज उसने यहां पर साइन किया था कि बायलेटरल इशू है। अगर पाकिस्तान थर्ड पार्टी के पास जाता है तो इंडिया शिमला एग्रीमेंट को उसको याद दिलाता है कि आपने उसमें बोला था ये बायलेटरल इशू है और हम थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व नहीं करेंगे। नेक्स्ट थिंग इसमें ये हुआ था कि जो सीज फायर लाइन थी 17th of December 1971 की, उसको LOC बोल दिया गया, लाइन ऑफ कंट्रोल, तो ये LOC बन जाती है। इंडिया को क्या नुकसान हुआ? अगर हम चाहते तो इस टाइम पर हमें सॉल्यूशन मिल सकता था कश्मीर का, बिकॉज 93,000 सोल्जर्स के लिए पाकिस्तान कश्मीर को लिख कर देता। इवन पाकिस्तान का जो प्रेसिडेंट है जुल्फिकार अली भुट्टो, वो इस बात के लिए रेडी था कि जो LOC है उसको डिफेक्टो बॉर्डर यहां पर डिक्लेयर कर दिया जाए, बट उसने बोला कि मैं लिखकर नहीं दे सकता। और ये इंडियन गवर्नमेंट का फेलियर भी था कि आप अगर सॉल्यूशन चाहते थे, 93,000 हमारे पास POW थे, तो उसका सॉल्यूशन इस टाइम पर मिल सकता था और हम LOC को डिफेक्टो बॉर्डर बना सकते थे, अगर नहीं तो NPO को भी हमें मिल सकता था, बट हमने ये चांस गवा दिया था। इंडियन, अब देखिए इंडियन जो है, इंडियन डिप्लोमेट्स, उनके माइंड में क्या चल रहा था, हमारी गवर्नमेंट के माइंड में क्या था? गवर्नमेंट को लग रहा था बिकॉज ये बांग्लादेश का इशू था, हमने बांग्लादेश के लिए लड़ाई लड़ी थी, तो कश्मीर का इशू हम बाद में भी सॉल्व कर सकते हैं, इस टाइम पर हमें बांग्लादेश के ऊपर फोकस करना चाहिए। 93,000 POW को वापस कर दिया गया, कुछ सोल्जर्स हमारे थे पाकिस्तान के पास, वो हमारे पास आ जाते हैं, शेख मुजीबुर रहमान ये बन जाते हैं, हेड बन जाते हैं बांग्लादेश के, और बांग्लादेश एक इंडिपेंडेंट नेशन बन चुका था। प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी, इनकी पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ चुकी थी, बड़ी पॉपुलैरिटी थोड़े टाइम के लिए थी, उसके बाद अब इमरजेंसी आने वाली थी इंडिया में। ओके फ्रेंड्स, तो ये था हमारा सेकेंड पार्ट ऑफ इंडो पाक वॉर ऑफ 1971। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को शेयर करिए। ओके, थैंक यू।